नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, अब भारत ने भी उस एलीट क्लब को ज्वाइन कर लिया है जिसके पास अपना खुद का बनाया हुआ पावरफुल लेजर बेस्ड वेपन है। एग्जैक्टली इसी को लेकर न्यूज है। इंडिया गेट्स फर्स्ट लेजर बेस्ड वेपन टू शूट डाउन एरियल टारगेट्स ज्वाइन सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कंट्रीज। और यहाँ पर लिखा है स्टार वॉर्स टेक DRDO शोकेस 30 किलोवाट लेजर बेस्ड वेपन टू टेक डाउन हेलीकॉप्टर्स एंड स्वार्म ड्रोन्स। ये है भारत का अपना लेजर बेस्ड वेपन जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसे आज ही अनवील किया है DRDO ने। इसकी टेस्टिंग हुई है और इसको डेवलप किया है DRDO के सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंस यानी CESS ने, जो बेस्ड है हैदराबाद में। इसका नाम है MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन और इसकी टेस्टिंग हुई नेशनल ओपन एयर रेंज कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। अगर पूरे वर्ल्ड को देखें तो फिलहाल ये माना जाता है कि इस रेंज के लेजर वेपन्स सिर्फ US, चाइना और रशिया के पास हैं। और अब भारत ऐसी चौथी कंट्री बन गया है जिसके पास इस रेंज का लेजर वेपन है। लेजर वेपन इज ए टाइप ऑफ डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये वेपन यूज करता है लेजर्स टू इन्फ्लिक्ट डैमेज यानी किसी भी टारगेट को डैमेज करने के लिए। लेजर वेपन के दो बहुत बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि ये स्ट्राइक करता है लाइट की स्पीड के साथ, यानी जिस स्पीड से लाइट ट्रेवल करती है उसी स्पीड से ये टारगेट को स्ट्राइक करता है, यानी विद इन सेकंड्स टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये अदर एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी सस्ता होता है। और ये जो DRDO ने MK2A लेजर वेपन डेवलप किया है, इसकी पर स्ट्राइक की कॉस्ट आप गेस कर सकते हैं? इसकी पर स्ट्राइक की कॉस्ट होगी लगभग 2 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट के इक्वल। DRDO का बनाया हुआ ये 30 किलोवाट का लेजर वेपन सिस्टम किसी भी एरियल थ्रेट को टेक डाउन कर सकता है, चाहे वो स्वार्म ड्रोन्स हो, यानी एक साथ जब कई ड्रोन्स हमला करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो या इनकमिंग मिसाइल हो। इसकी रेंज है लगभग 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी एरियल टारगेट को हिट कर सकता है। ये जो आज DRDO ने इसका टेस्ट किया है, इसमें MK2A सिस्टम वाज डेमोंस्ट्रेटेड इन इट्स एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ कैपेबिलिटी। और इसमें इसने एंगेज किया एक फिक्स्ड विंग ड्रोन को एट लॉन्ग रेंज, साथ ही नाकाम किया एक मल्टीपल ड्रोन अटैक को। और इसी डेमोंस्ट्रेशन के दौरान इसने एनिमी सर्विलेंस सेंसर और एंटीना को भी डिस्ट्रॉय किया। DRDO ने इसका एक वीडियो भी रिलीज किया है, देखिए। ये है वो सिस्टम जिसे DRDO ने डेवलप किया है MK2A। ये जो वीडियो इसी के टेस्ट की है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक फिक्स्ड विंग ड्रोन दिखाई दे रहा है और ये लेजर वेपन उसको टारगेट कर रहा है, फिर अचानक से हिट करता है और उस फिक्स विंग ड्रोन में आग लग जाती है। इसका मतलब है इट इज डिस्ट्रॉयड और अल्टीमेटली नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इसका जला हुआ मलबा दिखाई दे रहा है। अगले टेस्ट में आप देख रहे होंगे दुश्मन का सर्विलेंस एंटीना लगा हुआ है और नेक्स्ट टेस्ट में इस लेजर वेपन ने इसी सर्विलेंस एंटीना को टारगेट किया। ये एंटीना एक ऊंची बिल्डिंग पर लगा हुआ है और इस टेस्ट का मतलब ये है कि ये मूविंग टारगेट को और फिक्स टारगेट को दोनों को ही हिट कर सकता है इजिली। यहाँ पर आप देखिए पलक झपकते ही ये लेजर सिस्टम इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इवन आप लेजर को आते हुए देख भी नहीं सकते। इसका अटैक इतना फास्ट होता है क्योंकि लाइट की स्पीड से किया जाता है। आपने देखा होगा इसमें अचानक से आग लग गई लेकिन लेजर आती हुई दिखाई भी नहीं दी। और फाइनली इस लेजर वेपन ने एनिमी के फिक्स्ड एंटीना और सर्विलेंस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। कुछ साल पहले लेजर वेपन्स सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज में देखे जाते थे, लेकिन अब ये रियलिटी बन चुके हैं और मॉडर्न वॉरफेयर का एक हिस्सा। और अच्छी न्यूज ये है कि भारत के पास भी अपना एक लेजर वेपन है 30 किलोवाट का। भारत के इस MK2A लेजर वेपन सिस्टम में काफी एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, जिस वजह से ये दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल्स को ब्लॉक कर सकता है, किसी भी अनमैन एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। और इस सिस्टम को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इजीली से किसी छोटे ट्रक पर माउंट कर सकते हैं जिससे इसकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। इसको किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना आसान हो जाता है और इसी के साथ साथ आप इसे नेवी के शिप पर भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें लगा एक 360 डिग्री इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर जो इसे मदद करता है टारगेट को इजीली लोकेट करने में और प्रिसाइजली हिट करने में। देखिए, लेजर वेपन्स को जनरली उनकी पावर से नापा जाता है। जितनी ज्यादा पावर का ये लेजर वेपन होगा उतना ही पावरफुल इसका लाइट बीम होगा और उतना ही हार्ड ये हिट करेगा टारगेट को। DRDO के इस लेजर वेपन की पावर है 30 किलोवाट और अगर इस लिहाज से देखें तो ये काफी पावरफुल लेजर वेपन है। अगर आप प्रेजेंटली वॉर देख रहे हो रशिया और यूक्रेन का या और कोई वॉर, तो वहाँ पर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी अनमैन्ड ड्रोन्स का जो यूज है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसी के साथ साथ एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की डिमांड भी बढ़ गई है जो ना केवल फास्ट हो साथ ही कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और एकदम प्रिसाइज भी। भारत का डायरेक्ट एनर्जी वेपन विल सून बी रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल काइनेटिक वेपन्स एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ड्यू टू इट्स ईज ऑफ ऑपरेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। चाइना भी ऐसे लेजर वेपन डेवलप करने में लगा है या आप कहें उसने भी डेवलप कर लिए हैं। रिसेंटली एक न्यूज आर्टिकल छपा था जिसमें लिखा था लेजर वेपन अपीयर्स ऑन चाइनीज एम्फीबियस असॉल्ट शिप।
चाइना के टाइप 071 एम्फीबियस एसोल्ट शिप पर ऐसा ही एक एनर्जी वेपन देखा गया था। ये उसी शिप की पिक्चर है और ये जो सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये चाइना के शिप पर लगा हुआ लेजर वेपन है। ऐसा ही एक लेजर वेपन डेवलप किया है यूनाइटेड स्टेट ने, जिसका नाम है XN1 लॉस। यूनाइटेड स्टेट ने भी इस लेजर वेपन को इंस्टॉल किया है USS पोंस नाम के शिप पर। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उसी शिप की है और ये वही लेजर वेपन सिस्टम है। और भारत ने जो MK2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन डेवलप किया है ये भी बहुत जल्द भारत के नेवी शिप पर आपको दिखाई देगा। और सिर्फ इतना ही नहीं है, DRDO एक और मोर पावरफुल लेजर वेपन डेवलप कर रहा है जिसका नाम है सूर्या लेजर। इसकी पावर होगी 300 किलोवाट की। इस वाले लेजर वेपन सिस्टम से लगभग 10 गुना ज्यादा। सूर्या लेजर वेपन सिस्टम किसी भी हाई स्पीड एरियल थ्रेट को काउंटर कर सकेगा, जैसे कि इनकमिंग मिसाइल और अनमैन्ड एरियल सिस्टम। और इसकी रेंज भी होगी लगभग 20 किलोमीटर। वी होप 30 किलोमीटर रेंज वाले लेजर वेपन के बाद DRDO जल्द ही सूर्या लेजर पेश करेगा 300 किलोवाट पावर के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।